रंग बिरंगी होली आई, धूम मचाती होली आई, घर घर में ये खुशियां लाई, बच्चों की यह टोली आई, हाथ में पिचकारी लाई, रंग गुलाल उड़ाती आई, होली आई भाई होली आई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विराट मोहन शर्मा स्वागत करता हूँ बाल कार्यक्रम में। और मेरे साथ हैं वंशिका तिवारी, और आज हम आपके लिए लाए हैं होली की बहुत सारी मस्ती गुड फ्राइडे के बारे में जानकारी और साथ में कहानी, चुटकुले, पहेली और कविता। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, बाल बाल कार्यक्रम। कार्यक्रम। अच्छा वंशिका, होली का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं? विराट, होली का नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने ढेर सारे कलर बिखर जाते हैं और दिलो दिमाग में मस्ती छाने लग जाती है। मेरे साथ भी यही होता है, मेरी आंखों के सामने ढेर सारे कलर्स आ जाते हैं। और क्या दोस्तों, कुछ लोग जो पूरी सर्दी नहीं नहाए, कुछ लोग जो पूरी सर्दी नहीं नहाए, हो रही है उनको नहलाने की तैयारी, हो रही है उनको नहलाने की तैयारी। बाहर नहीं तुम आए तो घर में आकर मारेंगे पिचकारी। हैप्पी होली दोस्तों। विराट, तुम्हें पता है कि हम होली को होली क्यों कहते हैं? हाँ, मेरे को पता है, होली का मतलब HOLI, H फॉर हेट यानी घृणा, O फॉर आउट यानी बाहर, L फॉर लव मतलब प्रेम, I फॉर इन भीतर। नफरत और घृणा को बाहर निकालकर प्रेम करो, नफरत की होली का जलाओ, प्रेम का रंग बरसाओ, मस्ती में डूब जाओ, हंसो और हंसाओ। होली का त्योहार प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस त्योहार का फाल्गुन मास में मनाने की प्रथा है। ये त्योहार प्रमुख रूप से 2 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन होली दहन किया जाता है, जिसमें लकड़िया और गोबर के कंडे डालकर होलिका दहन किया जाता है, और होली के दूसरे दिन को धुलेंडी कहा जाता है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को रंग बिरंगे रंग लगाते हैं। वंशिका, तुमने बिल्कुल सही बोला, होली एक खुशनुमा और मस्ती भरा त्योहार तो है, लेकिन इसके कई धार्मिक और सांस्कृतिक मायने में भी ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू पौराणिक कथाओं से आया है, जहां भगवान विष्णु ने राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को हराया था और भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा के बीच प्रेम भी त्योहार से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं, मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार। मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। वाह विराट। थैंक यू दोस्तों। भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग अंदाज से और अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है और उसे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। तो चलिए अब हम दोनों आपको उनके नाम बताते हैं। पहली होली का नाम मैं बताऊं? हाँ, बिल्कुल। बरसाने की लठमार होली। और दूसरी बिहार में फगुआ होली। फगुआ होली, ये कौन सी होली होती है? फगुआ मतलब लाल रंग होता है, इसलिए इसे फगुआ होली कहते हैं। और तीसरी होली हरियाणा की धुलेंडी होली। चौथी बंगाल में ढोल पूर्णिमा। 5वीं महाराष्ट्र में रंग पंचमी। और छठी राजस्थान में तमाशा होली। 7वीं मध्य प्रदेश की भगोरिया होली। भगोरिया होली, इसमें सब भागते हैं क्या और तब रंग लगाते हैं? अरे नहीं, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश में रहने वाले भील आदिवासी की होली होती है ये। अच्छा, तभी इसे भगोरिया होली कहते हैं। और 8वीं पे गुजरात की होली, जिसे हम मटकी फोड़ होली के नाम से जानते हैं। होली को ना जाने लोगों ने कितने रूप दिए। बचपन की होली हो या बुढ़ापे का उल्लास, हमेशा एक सी ही होती है। इस पर एक मशहूर गाना मेरे को हमेशा याद आता है, कौन सा? होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। Thank you.
होली एक मजेदार त्योहार है, तो चलिए अब हम आपको होली की कुछ सावधानियां बताते हैं एक कहानी के द्वारा, क्योंकि सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए चलते हैं। बहुत समय पहले किसी शहर में चिंकी और गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों हर त्योहार बहुत खुशी से मनाते थे, लेकिन छोटे होने की वजह से उनकी मम्मी पापा कभी भी उन्हें रंगों वाली होली नहीं खेलने देते थे। लेकिन इस बार चिंकी और गट्टू ने तय किया कि गट्टू ने चिंकी को बोला कि इस बार हम मम्मी पापा को मना कर ही रहेंगे कि वो हमें रंगों वाली होली खेलने दे। हाँ गट्टू, इस बार हम रंगों वाली होली खेलकर ही रहेंगे। वो दोनों मम्मी पापा के पास गए और बोले, मम्मी पापा हम अब बड़े हो गए हैं और अब आपको हमें रंगों वाली होली खेलने देनी चाहिए। मम्मी, पर तुम दोनों रंगों वाली होली खेलते तो हो। इतने में गट्टू बोला, अरे नहीं नहीं मम्मा, वैसी नहीं, इस बार हम अपने आप रंगों वाली होली खेलेंगे। हर बार की तरह आपके हाथों से माथे पर टीका लगाने वाली होली थोड़ी ना खेलनी है हमें। इस पर मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और कुछ सोचकर बोले। फिर पापा ने बोला, ठीक है इस बार तुम रंगों वाली होली खेल सकते हो, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अगले दिन सुबह ही वो दोनों होली खेलने के लिए तैयार हो गए। मम्मी से रंग लेकर दोनों आपस में होली खेलने लग गए। तभी उनके घर पर शर्मा जी आए और उनके साथ उनकी बेटी सोना भी आई, तो दोनों सोना को रंग लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सोना ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। सोना ने बोला, रुको मुझे रंग मत लगाना, मैं होली नहीं खेलती, मुझे रंगों से खेलना अच्छा नहीं लगता। पर गट्टू और चिंकी ने सोना को बहुत सारा रंग लगा दिया। रंग लग जाने पर सोना रोने लगी। सोना इस पर बोली अपने पापा से, देखो ना पापा, इन दोनों ने मुझ पर रंग लगा दिया। शर्मा जी अपनी बेटी को साथ लेकर गए
लेकिन चिंकी और गट्टू को अभी और होली खेलनी थी। तभी चिंकी ने अपने पालतू कुत्ते टॉमी को देखा। भैया देखो, चलो हम टॉमी के साथ होली मनाते हैं। और वो दोनों टॉमी के साथ होली मनाने लग गए। होली खेलते खेलते कुछ रंग टॉमी की आंखों में चला गया और वह जोर से भौंकने लग गया। टॉमी की रोने की आवाज सुनकर मम्मी पापा वहां आए और टॉमी को ऐसे रंगा हुआ देखकर गुस्सा हो गए। इतने में पापा ने बोला, चिंकी गट्टू, ये तुमने क्या किया? पहले तुमने सोना को जबरदस्ती रंग लगाया और अब टॉमी को? मम्मी पापा का गुस्सा देखकर वो दोनों रोने लगे। मम्मी, हम तो बस होली खेल रहे थे, आप हमें क्यों डांट रहे हो? बच्चों को रोता देख मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो गया और वो बोले कि बच्चों, गलती तो हमारी है कि हमने तुम्हें रंगों से खेलने के रूल्स नहीं बताए। रूल्स? होली के क्या रूल्स होते हैं रंग के साथ खेलने के लिए? इतने में पापा बोले, होली का पहला रूल ये है कि जबरदस्ती हमें किसी को रंग नहीं लगाना चाहिए, अगर वो मना करे तो। दूसरी, जानवरों को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए, रंग उनके लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। और दोस्तों, तीसरी सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि हमें केमिकल वाले रंग से कम खेलना चाहिए, वरना वो हमारी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। और पक्के रंग के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। और चौथी सावधानी यह है कि हमें पानी को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें एक लिमिट तक होली खेलनी चाहिए, हमें ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतने में फिर चिंकी और गट्टू दोनों बोले, ठीक है मम्मी पापा, हम रूल याद रखेंगे। दोस्तों, हम इन रूल्स को तो फॉलो करेंगे ही, लेकिन आप भी हमारे साथ रूल्स को फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है होली खेलते समय, हमारी वजह से वरना किसी को नुकसान हो सकता है। विराट, मैंने होली पर एक कविता लिखी है, तुम सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, जरूर सुनाओ, हमारे दोस्त भी इस कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। चलो चलो सुनाओ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है होली। होली का त्योहार आया, खुशियां और उमंग साथ में लाया, रंगों की चहु और बहार है, गीत मल्हार भी साथ है। पिचकारी चलाओ, गुलाल लगाओ, गीत गाओ और होली मनाओ, मिठाई गुजिया पकौड़ों के संग होली मनाओ खुशियों के संग। भारतीय संस्कृति की पहचान है होली, सब कुछ भूल बनाओ अपनी टोली, होली है बुराई पर अच्छाई की जीत, देखो ये है सच्चाई का प्रतीक, रंगों की बहार लेकर होली आई, खुशियां और उमंग साथ में लाई। अरे वाह वंशिका, तुमने तो बहुत अच्छी कविता बोली, मेरे को तो सच में ही होली याद आ गई। अच्छा वैसे वंशिका, तुम्हारे घर में और तुम होली के पहले क्या क्या तैयारी करते हो? तुम्हारे घर में क्या क्या होता है होली से पहले? मेरी नानी तो मेरे लिए बहुत सारी गुजिया भेजती हैं। हमारे घर तो नानी त्योहार भिजवाती हैं और मेरे मामा घर पे आते हैं उसे देने के लिए, वो तो हमें बहुत सारी गुजिया देते हैं। और इस दिन हमारे घर पे दही बल्ले भी बनते हैं, वो तो बहुत टेस्टी होते हैं, मेरे को तो सच में उनकी अभी से याद आने लग गई। अच्छा तो विराट, तुम क्या सुनाना चाहते हो होली पर? मैं बरसाने की होली पर दो तीन लाइनें सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हो ना? हाँ हाँ, जल्दी सुनाओ। तो चलो मैं सुनाता हूँ। होली खेलता बनवारी बिरज में, होली खेलता बनवारी बिरज में, मगन भये सब ब्रज नर नारी, होली खेलता बनवारी बिरज में। वाह विराट, ये दो पंक्तियां तो बहुत ही सुंदर थी, पर इससे मन नहीं भरा, कुछ और है तो वो भी सुना दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर सुनाता हूँ। अब मैं तुम्हें एक ऐसा गीत सुनाऊंगा जिससे तुम्हें सच में बरसाने की होली की याद आ जाएगी, तो चलिए सुनते हैं। आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, हाँ होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया।
घर घर से ब्रिज बनी ताई, घर घर से ब्रिज बनी ताई, कोई सावर कोई गोरी है रे रसिया, हाँ कोई सावर कोई गोरी है रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, हाँ होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। कौनो गाँव के कुंवर कन्हैया, हाँ कौनो गाँव के कुंवर कन्हैया, हाँ कौनो गाँव की राधा गोरी रसिया, कौनो गाँव की राधा गोरी रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। नंदगांव के कुंवर कन्हैया, हाँ नंदगांव के कुंवर कन्हैया, हाँ जी बरसाने की राधा गोरी रसिया, बरसाने की राधा गोरी रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। वाह विराट, मजा ही आ गया, ऐसा लगा मैं तो बरसाने ही पहुंच गई थी। थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ आज दीक्षा दीदी भी आई हुई हैं, जो होली पर एक कहानी सुनाएंगी, तो चलिए सुनते हैं उनसे होली की कहानी। प्यारे बच्चों, होली का त्योहार आ रहा है। भारत देश तो त्योहारों का देश है, यहाँ हर मौसम हर महीना एक नया त्योहार लेकर आता है। होली और दीपावली तो हमारे देश के बहुत प्रमुख त्योहार हैं, और मुझे पता है आप भी त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बहुत सारी मिठाइयाँ, तरह तरह के खाने और नए नए कपड़े भी तो मिलते हैं, क्यों सही कहा ना? हाँ, हर त्योहार को खुशी के साथ साथ सावधानी से भी मनाना चाहिए। आप सभी की तरह रोशनी भी अपने घर में होली के त्योहार की तैयारी कर रही है। आइए हम रोशनी के घर चलते हैं और देखते हैं वह क्या तैयारी कर रही है। रोशनी के घर में रोशनी की माँ तरह तरह के पापड़ बना रही है, जिसे देखकर रोशनी उससे कुछ सवाल पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ माँ सुनो ना, तुम यह क्या कर रही हो, मुझे बताओ। मैं तो होली के लिए पापड़ बना रही हूँ, तुम जाओ अपने स्कूल का काम कर लो। नहीं माँ, मेरी तो 5 दिन की छुट्टी है और टीचर ने कोई काम नहीं दिया है इस बार, ये। अच्छा अच्छा, ज्यादा खुश मत हो, मैंने किचन में पास्ता बनाया है, खा लो। मैंने तो खा लिया, तुम बताओ ना तुमने क्या क्या बनाया है। मैंने तुम्हारे लिए आलू के पापड़, चावल के पापड़ और सूजी के पापड़ बनाए हैं, और बहुत सारे चिप्स भी बनाए हैं, सब होली के दिन मिलेगा, ये। माँ ने तो बहुत सारे पापड़ बनाए हैं। अच्छा अच्छा, आराम से, गिर मत जाना। माँ हम होली क्यों मनाते हैं,
हमको टीचर ने बोला है कि सब अपने घर से होली की छुट्टियों में होली की स्टोरी बता करके लाएंगे। बेटा, होली मनाने के पीछे लंबी कहानी है, चलो अंदर मैं बैठकर सुनाती हूँ। हाँ हाँ चलो ना। एक बार की बात है, एक बहुत खतरनाक राक्षस था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बहुत बुरा और अच्छे लोगों और साधु संतों से चिढ़ता था। वह भगवान विष्णु जी को अपना शत्रु समझता था। माँ, वो बहुत बुरा और डरावना था। हाँ, लेकिन नारद जी की प्रेरणा से उसकी पत्नी कयाधु को प्रहलाद नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो भगवान का भक्त था और अच्छे काम करने वाला था। लेकिन माँ, वो राक्षस तो बुरा था, उसके बेटे को डर नहीं लगता था भगवान की भक्ति करने में। बेटा, उसने प्रहलाद को तरह तरह से परेशान किया और अपनी बहन होलिका को उसे लेकर आग में बैठने को कहा, क्योंकि वह आग से जल नहीं सकती थी। लेकिन प्रहलाद पर भगवान की कृपा होने से वह तो बच गया, लेकिन वह वरदान के होते हुए भी जल गई और भगवान उस राक्षस का नरसिंह अवतार लेकर वध कर दिया। तब से हम होली के त्योहार को मनाते हैं। उस होलिका के दहन के कारण ही हम होली एक दिन पहले होली जलाते हैं और अगले दिन पूरी धरती को उस राक्षस के अत्याचारों से मिली मुक्ति के कारण ही रंग मनाकर उत्सव मनाते हैं। माँ, अब तो मैं टीचर को जाकर सारी स्टोरी सुनाऊंगी और सारे बच्चे मेरे लिए तालियां भी बजाएंगे। अब तुम बताओ, तुम कौन कौन सी मिठाइयाँ बना रही हो? मैं तो खोए की गुंजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, मठरी और कचौड़ियाँ बना रही हूँ। तुमको नमकीन भी पसंद है ना, तो वो भी बनाऊंगी। माँ, तुम मुझे पिचकारी और रंग दिलाने कब ले चलोगी? मुझे इस बार बड़ी पिचकारी चाहिए। पिछली बार तुमने भाई को बड़ी दिलवाई थी और मुझे उसकी पुरानी दे दी थी, इस बार मैं नई ही लूंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हें नई ही दिलाऊंगी और गुलाल भी दिलवाऊंगी। माँ, तुम मुझे वो वाला रंग दिलवाना जो छूटता नहीं है, मैं भाई को लगा के उसे खूब चिढ़ाऊंगी। नहीं बेटा, ये सब गलत बात है, हमें नेचुरल कलर से होली खेलनी चाहिए। पक्के रंग से हमको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं और यदि वह मुंह के अंदर चली जाएं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनका यूज नहीं करते, गंदी बात होती है। अच्छा ठीक है, मगर मुझे वाटर बलून दिलवाना है, मैं उनसे खूब खेलूंगी, खूब फोड़ूंगी, भाई को परेशान भी तो करना है। मैं वाटर बलून दिलवाऊंगी, मगर उसे आते जाते लोगों पे नहीं फोड़ना, वो गंदी बात होती है। ठीक है माँ, मुझे फिर भूख लग गई, मुझे फिर पापड़ दो। अरे उन्हें कच्चा नहीं खाते, चलो मैं कुछ और देती हूँ। तो देखा आपने, रोशनी तो अपने घर में सुरक्षित होली मना रही है। तुम भी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर में होली मनाना और खूब मजे करना, गुंजिया भी खाना। हैप्पी होली। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई। मजा ही आ गया। चलो होली की तो बहुत बातें हो गई, मैं तुम्हें अब एक जोक सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे को तो जोक बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हंसी आती है उनको सुनकर। चलो सुनाती हूँ फिर। मोनू, मम्मी मैं टीवी देखते देखते होमवर्क कर लूँ? मम्मी, हाँ बेटा देख ले, बस टीवी चालू मत करना। वंशिका, इस एक चुटकुलू से मेरा मन नहीं भरा, मैं एक और सुनना चाहता हूँ, सुना सकती हूँ ना तुम? हाँ हाँ सुनाती हूँ, क्यों जल्दी सुनाओ। टीचर चिंटू से, होमवर्क क्यों नहीं किया? चिंटू, मैम मैं जब पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट आने के बाद क्यों नहीं की पढ़ाई? चिंटू, बाद में मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं मेरी वजह से फिर से लाइट ना चली जाए। विराट, अब मैंने चुटकुले तो सुना दिए, तुम्हारे पास और क्या सुनाने वाला है? मैं अब कुछ सुनाऊंगा नहीं। वंशिका, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। क्या पूछ सकता हूँ क्या मैं तुमसे कुछ प्रश्न? हाँ हाँ पूछो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निकालें तो जिंदा रह पाए, अगर वो हमें निगल जाए तो हम मर जाएं? ये पहेली थोड़ी समझ सी नहीं आई। टाइम बीत रहा है वंशिका, टिक टिक वन, टिक टिक टू। अच्छा अच्छा तुम ही बता दो, अब नहीं समझ आ रहा। मतलब तुमने हार मान ली ना? हाँ हाँ अब तो बता दो।
चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं बताता हूँ, इसका जवाब है पानी। अरे तो चलो अब मैं तुमसे एक और पहेली पूछता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से बनी है लेकिन उसे सूरज भी नहीं सुखा सकता? ये तो मुझे पता है। बताओ बताओ। ये तो पसीना है। अरे तुमने इस बार तो सही उत्तर दे दिया, लेकिन अगले वाले में पक्का नहीं दे पाओगे। मैं तुमसे अब एक पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ऐसी कौन सी चीज है? जल्दी बताओ। ये तो मेरे को नहीं पता। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। ये है सपना, उसे हम देख सकते हैं लेकिन कभी भी छू नहीं सकते। तुमने बिल्कुल सही बोला। विराट तुम्हें पता है अब एक और चीज आने वाली है। हाँ हाँ गुड फ्राइडे ना, तुम उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, साल 2024 में गुड फ्राइडे 29 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। गुड फ्राइडे का दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा तो दोस्तों गुड फ्राइडे का मैं आप सबको संदेश बताता हूँ। गुड फ्राइडे का पर्व मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन ईसाई लोग काले रंग के कपड़े पहनकर प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। चलो अब मैं तुम्हें ईसा मसीह का संदेश बताती हूँ। हाँ हाँ बताओ। मनुष्य के लिए एक दूसरे की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करते हैं। मन से स्वार्थ और लालच की भावना निकालकर प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। दूसरा, हर मनुष्य को एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसा कि ईश्वर मनुष्य से करता है। मतलब हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हाँ, किसी से बैर भाव भी नहीं रखना चाहिए। हाँ हमें किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। होली भी हमें यह संदेश देती है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों होली की बातें तो अब बहुत हो गई, मेरा तो अब सच में ही होली खेलने का मन कर रहा है। और अब हमें होली की शॉपिंग के लिए भी तो जाना है। तो चलो वंशिका, अब हम दोनों अपने दोस्तों को हैप्पी होली कहते हैं। अरे विराट तुम भूल गए, हमें दोस्तों को बताना भी तो है हम अगली बार कब मिलेंगे। अरे हाँ हाँ ये तो मैं सच में ही भूल गया, तुम बता दो दोस्तों को। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगले रविवार इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।